S is equal to 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 up to 20 terms. It will be a numerical answer. Batayin kya hoga iska answer. एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे जो जेई मेन में भी पूछा गया था. शायद यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ा था. 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 2 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 2 plus 3 या 1 plus 2 plus 3 की जगह यहाँ पे हम लोग कर दें इसमें 1 plus 3 और 1 plus 3 plus 5 और इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं हम लोग 20 टर्म्स तक. जो जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज ओनली टेन 9 टर्म्स राइट. जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने रिफ्रेश कर दिया इसको रिबूट कर दिया ये क्वेश्चन 20 टर्म्स तक है. आज का नंबर है 20. मटका आज 20 पे खुला है. फर्स्ट वाले को कैसे करेंगे बताऊं या वेट करूं फर्स्ट को बताऊं. शुड आई टेल S is equal to पहले क्या कंप्यूट करेंगे इसमें AR will be equal to first term into second term. First term is what? Term 1 into term 2. First term की सीरीज क्या है 1, 3, 5. तो क्या हो जाएगा ये AR इसका क्या हो जाएगा Rth term क्या हो जाएगा 2R-1. Second term की सीरीज क्या है बच्चों 3, 5, 7. इसका AR क्या हो जाएगा 2R+1. क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी किया तो बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. सो इस सीरीज का करस्पॉन्डिंग AR या कैपिटल AR लिख लें. दिस विल बी इक्वल टू 2R-1 इंटू 2R+1 विच इज 4R²-1. सो S विल बी इक्वल टू वॉट सिग्मा AR R फ्रॉम 1 टू N. That is sigma r is equal to 1 to n 4R²-1 which is 4 times sigma R²-1. अब यहां पे n नहीं है यहां पे 1 की जगह क्या है n की जगह क्या है 20. यहां पे यही एक चीज आपसे डिफरेंट पूछी थी मैंने कि r n की जगह हम 20 लिख देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू फॉर्मूला क्या है n which is 20 into 21, 20 plus 1, into 41, 2 into 20 plus 1, divided by 6, minus 1 को 20 time जोड़ेंगे तो 20 आएगा. Is it clear? ये लिखना समझ में आया कि नहीं आया तुरंत के तुरंत. What will be its value? 10, 7, 6 gone. So we'll have 4 into 40 into 70 minus 20. 40 into 41 into 7 minus 2. 41 into 7 is 287 minus 2 is 285 into 40. Which is 0 for 285 ko 4 se multiplication which is 3 se multiplication 1200. 1200 minus 60 which is 11400. There is someone who has given this answer. देखिए बेटा मेरी कंप्यूटेशन मिस्टेक चेक करें. ओह 20 शुड नॉट बी इन द ब्रैकेट सो दैट इज वेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक. 20 शुड नॉट बी इन ब्रैकेट सो देयर इट विल बी 4 into 41 into 70 minus 20. तो इसको compute करेंगे 41 which is 7280 into 4 minus 20. 08112 4 7s are 28 into 4 is 112 112 or 2 yahan ka carry which is 114 minus 20
So somebody has given me the right answer, which is 11460. Is it clear, bacho? Or I have made some computation mistake again. Jara check karo, dekho batao zara fatafat jaldi se. Is wale question ko karne ke liye bhi kuch khas nahi karna. Thoda sa hi difference hai isme. Isme likhenge beta any term of the sequence is a term first divided by term 2. ये मेरा मतलब कहने का तरीका है या मैथ इंग्लिश को मैथ्स में लिखने का तरीका है कि दो टर्म है हर एक में. एक टर्म पहला है उसमें ऊपर एक टर्म है दूसरा टर्म है. और पहले टर्म की सीरीज क्या है उसको जरा अलग से लिख लें तो क्लैरिटी आ जाती है. व्हिच इज 1 क्यूब है पहला टर्म, दूसरा टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो इसका आरथ टर्म क्या होगा? इसका आरथ टर्म होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर क्यूब. होगा कि नहीं होगा? ये क्लियर है यहां तक? दिस विल बिकम आर स्क्वायर इनटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4. कौन सा फॉर्मूला? सिग्मा एन वाला. सीरीज ऑफ सेकंड व्हिच इज 1 पहला टर्म, 1 प्लस 3 दूसरा टर्म, 1 प्लस 3 प्लस 5 टर्म. अच्छा ये याद रखेंगे आइंदा से. इसको हम कर सकते हैं कि हमारा ए आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू आर टर्म्स. लिख सकते हैं ना ऐसे. और इसको जबरदस्ती निकाल सकते हैं फिर बाय विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बट इसका एक शॉर्टकट भी है. लेट मी कंप्लीट दिस. आर बाय 2, 2 प्लस आर माइनस 1 इनटू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर. यहां तक समझ में आया आपको? सीरीज 2 भी यदि समझ में आया तो क्लियर बोलें ताकि मैं आपको आगे बताऊं. ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू आर टर्म्स कैन बी रिटन एज आर बाय 2 इनटू 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 2. इफ यू सॉल्व इट 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल्ड. 2r इनटू r बाय 2 व्हिच इज r स्क्वायर. ओके. बट ये आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर ये टर्म्स होता है 1 प्लस 3 प्लस 5. ये वाले जो सम आ रहे हैं आपके कौन से? ये वाले. इनको ध्यान से देखिए तो क्या है 1 प्लस 4 प्लस 9 ऐसे करके टर्म्स है ना ये. तो ये है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. तो इसको देखते ही हम बोल सकते थे बेटा नीचे वाले सीरीज को कि नीचे वाली सीरीज का आरथ टर्म जैसे ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है तो जरूर के जरूर टर्म कौन सा होगा? r स्क्वायर होगा क्योंकि ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है. ओके राइट. देन वी कैन राइट दिस s इज इक्वल टू सिग्मा r इज फ्रॉम 1 टू 20 दिस डिवाइडेड बाय दिस व्हिच विल बी r प्लस 1 का होल स्क्वायर by 4 which can be written as 1 by 4 sigma r square plus 2r plus 1 r is equal to 1 to 20. इसके बाद अब आप लोग करके दिखाओ मेरे को बाकी सब लोग और आंसर बताएं.